इस अप्रैल मंथ में काफी सारे स्मार्टफोन के लॉन्चेस देखने को मिल जाएगी इंडिया पे। सो इन्हीं सारे स्मार्टफोन के बारे में इस वाले वीडियो पे बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम राजीव है। आप सभी को मेरा चैनल टेक बाय राजीव पे फिर से स्वागत है। मैं इस चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। इस वाले वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना, इसमें हमें अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सबसे पहले बात कर लेते सैमसंग की। सो सैमसंग 5 अप्रैल को एफ सीरीज में दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे। एक होगा सैमसंग गैलेक्सी F02s और एक होगा सैमसंग गैलेक्सी F12। सैमसंग गैलेक्सी F12 के स्पेसिफिकेशन में काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M12 से, और जो सैमसंग गैलेक्सी F02s से इस स्मार्टफोन में 8,000 to 9,000 के बीच में देखने को मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन के अलावा भी हमें सैमसंग का गैलेक्सी M62 भी इसी महीने को देखने को मिल सकती है। अभी भी इस स्मार्टफोन के बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। इसका लॉन्च हमें मिड ऑफ अप्रैल या फिर एंड ऑफ अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। पिछले महीने ओप्पो ने अपना ओप्पो F19 प्रो स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दिया था इंडिया पे। अब 6 अप्रैल को ओप्पो का F19 स्मार्टफोन लॉन्च कर देगा। इस स्मार्टफोन में हमें 5,000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी, 33 W फास्ट चार्जर, और इस स्मार्टफोन मीडियम सेगमेंट में हमें देखने को मिल जाएगी अच्छे कैमरास के साथ, और एमोलेड डिस्प्ले होने की भी चांसेस है। अब देखते हैं लॉन्च के बाद इस स्मार्टफोन में कैसा ओवरऑल देखने को मिलता है। इसमें हमें रियलमी की तरफ से बहुत सारे स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है। कॉन्फर्मेशन है रियलमी के सी सीरीज के 3 स्मार्टफोन की, और इसके बाद भी हमें कई सारे स्मार्टफोन फ्लैगशिप रेंज एंड मिड रेंज पे देखने को मिल जाएगा। पहले बात करते हैं रियलमी के सी सीरीज में, हमें C20, C21 एंड C25 ये तीनों ही स्मार्टफोन 8 अप्रैल को इंडिया पे एक साथ लॉन्च हो जाएगा। एक साथ सी सीरीज में 3 स्मार्टफोन, क्या ही कहना रियलमी का। इसके बाद आएगा रियलमी का जो 8 प्रो, इसका 5G वर्जन भी रियलमी ने कहा था कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च कर देंगे वो लोग। तो मिड ऑफ अप्रैल या फिर एंड ऑफ अप्रैल तक हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है। उसके बाद रियलमी का जो रियलमी GT 5G स्मार्टफोन पहले ही चाइना पे लॉन्च हो चुका है, वो स्मार्टफोन भी हमें इसी महीने को देखने को मिल सकती है। इस महीने भी अगर रियलमी GT 5G स्मार्टफोन लॉन्च ना हो तो हमें वो अगले महीने तक श्योर देखने को मिल जाएगा। इसी महीने को शामी का भी मी 11 सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है इंडिया पे। एक स्मार्टफोन का लॉन्च कॉन्फर्म हो चुका है, शामी मी 11 अल्ट्रा में 23 अप्रैल को इंडिया पे देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल न्यूज है, सो ये काफी अच्छी बात है। और इनके जो अदर स्मार्टफोन है यानी कि मी 11, मी 11 आई एफ्रीका कह सकते हैं, मी 11 प्रो, मी 11 लाइट, सो ये सारे स्मार्टफोन के बारे में अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी इन स्मार्टफोन के बारे में भी हमें न्यूज मिल सकती है। इसी महीने या फिर अगले महीने में हमें इन स्मार्टफोन के लॉन्चेस देखने को मिल जाएगी। आईक्यू का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, काफी दिनों से इस स्मार्टफोन के बारे में बात हो रही थी, चाइना पे बहुत ही पहले लॉन्च हो चुका है IQ 7। सो ये स्मार्टफोन 40,000 के अंदर हमें इंडिया पे भी देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन शायद अप्रैल में ही हमें देखने को मिल सकती है या फिर अर्ली मई में भी देखने को मिल सकती है। सो देखते हैं कब तक स्मार्टफोन लॉन्च होता है। स्नैपड्रैगन 888 अंडर 40,000 फर्स्ट स्मार्टफोन बन सकता है, या फिर इससे पहले रियलमी अपना रियलमी GT 5G भी लॉन्च कर दे। सो इन दोनों के बीच में एक हमें बहुत ही ज़्यादा टक्कर देखने को मिल जाएगा। सो कौन से स्मार्टफोन पहले लॉन्च होता है 40,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 888 के साथ, एक देखने की बात होगी। पोको की तरफ से भी हमें इस महीने स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है। पोको का F3 सीरीज के स्मार्टफोन हमें इसी महीने में इंडिया में देखने को मिल सकती है। चाइना पे जो हमें रेडमी के K40 सीरीज में स्मार्टफोन देखने को मिली है, रेडमी K40 एंड रेडमी K40 प्रो, वही स्मार्टफोन हमें इंडिया पे पोको के F3 एंड F3 प्रो के नाम से भी मिल सकते हैं। सो देखते हैं स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होता है, जितनी जल्दी लॉन्च हो उतना ही बेहतर। काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है, और पोको स्मार्टफोन की प्राइस में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिल जाती है। हाल ही में पोको X3 प्रो स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर के साथ एक 19,000 में स्मार्टफोन, तो सोच ही सकते हैं पोको क्या क्या कर सकता है। वीवो के V21 स्मार्टफोन सीरीज भी हमें इसी महीने को लॉन्च देखने को मिल सकती है। इसमें हमें मल्टीपल डिवाइसेस देखने को मिल जाएगी, और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। अच्छे कैमरास भी हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कब तक स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं।
वीडियो एपड़ी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप कौन से स्मार्टफोन को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप इस वाले चैनल पर नए हो और आपको ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोज देखना अच्छा लगता है तो आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।